हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर पेप की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र अंग्रेज समर्थक राजाओं और जमींदारों की तीखी आलोचना करते थे, इसलिए लॉर्ड रिपन भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना चाहता था और 14 मार्च 1878 को लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था। दोस्तों, यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, यह अधिनियम राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य बनाकर लाया गया था। लिटन के एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जो बंगला भाषा की थी, अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गई थी। दोस्तों, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर आदि समाचार पत्रों के खिलाफ भी मुकदमे चलाए गए थे। इस अधिनियम के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया तथा सभी समाचार पत्रों को समान अधिकार प्रदान कर दिए गए।